शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज जो है एक वीडियो हम दे रहे हैं आपको, ऐसे आप जब जो मुगल जब समाप्त होता है तो कई छोटे छोटे प्रांत का आज़ादी होता है, यानी आज़ाद होता है, और उसके बाद जो है एक छोटा सा प्रांत होता है, एक महत्वपूर्ण प्रांत होता है मैसूर, और उसको जो है विस्तार पूर्वक जो है आपको हम पढ़ाएंगे। लेकिन उसी का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें चार गो युद्ध हुआ था, आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध ध्यान देंगे। तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो थे था वो जो है, कहने का मतलब ये हुआ कि आंग्ल के मतलब अंग्रेज और मैसूर शासकों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसी को आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं। देखिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये जो है आपका 1767 से 1769 के बीच हुआ था। अब देखिए, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 84 के बीच हुआ था, और तीसरा जो हुआ था आपका 1790 से 92 के बीच हुआ था। अब देखिए, तीसरा जो हुआ था ये 1799 में हुआ था। देखिए इसमें जो है क्या होता है, थोड़ा सा बात सुन लीजिए। जैसे ये पहला जो हुआ था, हैदर अली थे एक साइड से अंग्रेज थे। दूसरा में क्या होता है कि हैदर अली का मृत्यु हो जाता है, हैदर अली का जो है मृत्यु हो जाता है, कब, तो 1782 ईस्वी में। किनका, इनका क्या हो जाता है, तो मृत्यु हो जाता है, क्या हो जाता है, तो ये मृत्यु हो जाता है यानी मर जाते हैं। तब जो है फिर जो है इनका पुत्र जो है आपका टीपू सुल्तान भाग लेता है, और लास्ट में जो है संधि होती है, और उसके बाद जो है ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है तो उसमें एक साइड से टीपू सुल्तान होते हैं और एक साइड से होते हैं अंग्रेज, ठीक है। तीसरा भी जो है जब समाप्त होता है तो इसके लास्ट में भी एक संधि होती है। फिर जो है 1799 में ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और इसमें जो है लॉर्ड बेलेजली द्वारा, यानी लॉर्ड बेलेजली बेलेजली के द्वारा जो है टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है। टीपू सुल्तान सुल्तान का जो है क्या कर दिया जाता है, हत्या कर दिया जाता है। किनके द्वारा, तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। किनका हत्या कर दिया जाता है, तो देखिएगा टीपू सुल्तान का जो है हत्या कर दिया जाता है, देखिएगा, यानी इनका जो है हत्या कर देता है कौन, तो लॉर्ड बेलेजली, कब, तो 1799। देखिए इसके अंत में जो है, ये तीनों युद्ध के अंत में जो है संधि होता है। संधि के मतलब क्या होता है, समझौता, कहने का मतलब ये कि लास्ट में युद्ध के बाद जो है यानी समझौता होता है कि अब जो है युद्ध नहीं करना है, या फिर उस युद्ध में जो है लास्ट में क्या होता है आपका संधि होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, दूसरा जो हुआ था किस संधि के तहत समाप्त हुआ था, और तीसरा किस संधि के तहत समाप्त हुआ था। अब देखिए चौथा में कोई व्यक्ति ही नहीं बचे तो संधि किसके साथ होगा, बात समझ में आया। देखिए ये तीन जो है आपका, तीनों का आपका संधि जो है एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिएगा छोटा सा ट्रिक जो है आपको देते हैं, देखिएगा ट्रिक है, देखिए ट्रिक जो है ममंग श्री है, ममंग श्री ये जो है आपका ट्रिक है, ठीक है, देखिएगा ये ट्रिक है आपका। अब इसको जो है हम जो है बारी बारी से सबके बारे में लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहला दूसरा और तीसरा, ठीक है, तो देखिए पहला दूसरा तीसरा, पहला में जो हुआ था वो हुआ था मद्रास की संधि, मद्रास की संधि। दूसरा में जो हुआ था मंगलौर की संधि
की संधि, और तीसरा में जो हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि। देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए ये मद्रास जो है ना, ये मद्रास की संधि जो है आपको वहां पे नहीं दे देगा, दे देगा ऑप्शन वन में कोची मैसूर की संधि, तो वहां पे जो है आपको गलत हो जाएगा। और ये जो है हम जो बात बोल रहे हैं उस पे ध्यान दीजिएगा, म से मैसूर भी होता है और म से मद्रास भी होता है, यहाँ पे मद्रास की संधि, ठीक है, मैसूर की संधि नहीं, मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि और श्रीरंगपट्टनम की संधि, ठीक है। तो ये तीन संधियां हैं जो तीनों को हम वहां लिख चुके हैं, तो ध्यान देना है। अब जो है क्वेश्चन डायरेक्ट अगर ऐसे पूछ दे कि मद्रास की संधि कब हुई, तो ये जो लास्ट डेट है यही जो है आपका संधि का डेट है, ये जो है लास्ट डेट है यही आपका संधि का डेट है, तो ये लास्ट डेट आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें पूछेगा क्या, पहला तो ये समय पूछेगा, ठीक है, दूसरा तो ये कि इस जो युद्ध हुआ ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ, बात समझ में आया, फिर जो है आपको पूछ देगा कि कौन सी संधि कब हुई, है ना, तो इस बात को ध्यान रखना है, यानी मद्रास की संधि 1769 में, फिर मंगलौर की संधि 1784 में, इसके बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, तो इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे इस युद्ध में लॉर्ड विलेजली जो है टीपू सुल्तान का हत्या कर देता है और ये जो है युद्ध समाप्त होता है। लॉर्ड विलेजली जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, बंगाल का शेर कौन, तो लॉर्ड विलेजली, ठीक है। बाकी जो है लॉर्ड विलेजली जो है किस चीज का जनक कहे जाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए ये छोटा सा वीडियो था लेकिन इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको याद रखना है, इसमें जो भी हम डेट बताए हैं, जो संधि बताए हैं, जो संधि का डेट कब हुआ वो, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त कर दे यहीं पे, तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।